टेक चार्जेस वीवो ने Y02 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने राहत दी है और टेक्नो पोवा 4 की लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। तो ऐसे कमाल के अपडेट आपको हफ्ते की पहले बुलेटिन में मिलने वाले हैं आज। तो मेरे साथ लास्ट तक देखिए एपिसोड, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मैन्युफैक्चरर्स की जो कि इंडिया में स्मार्टफोन बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब तक उन्हें फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था, लेकिन इन सब मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड के बाद सरकार थोड़ी सी झुक गई है, रिलैक्सेशन दे दिया है। कोई भी फोन का अगले आदेश आने तक IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। तो इससे इन मैन्युफैक्चरर्स को राहत भी मिलेगी और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ सकता है। वीवो ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना नया एंट्री लेवल फोन Y02। 5000 mAh की बैटरी, Helio P22 प्रोसेसर, 3GB की रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज और साथ में 5 MP का सेल्फी कैमरा। इन सारी चीजों के साथ में प्राइस है इसके 8,999। टेक्नो भी तैयार है अपने नए फोन पोवा 4 के साथ, 7 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च कर रही है। MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर है और वर्चुअल रैम ऑप्शन के साथ आएगा, जिससे कि आप बढ़ाकर 13GB तक कर सकेंगे। 6000 mAh की मैसिव बैटरी है और साथ में एंड्रॉइड 12 इसके अंदर ही मिलेगा। Amazon के थ्रू इसे इंडिया में लॉन्च करके कंपनी बेचने की तैयारी कर रही है। गूगल, एप्पल और मेटा ये समंदर के बड़े मगरमच्छ हैं जो मार्केट की छोटी मछलियों को जीने नहीं दे रहे। इसीलिए तो न्यूजीलैंड तैयारी कर रहा है नया कानून बनाने की, जिसके बाद इन सभी बड़े बड़े आउटलेट्स को लोकल न्यूजीलैंड के मीडिया हाउसेस को पे करना होगा उनकी खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने के लिए। वैसे दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कदम उठा रहा है ताकि वहां के जो लोकल मीडिया हाउसेस हैं उनकी कुछ मदद हो सके, उनको ऑनलाइन एडवर्टाइज मिल सके। क्या दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की कुछ कोशिश होनी चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इलॉन मस्क के ट्विटर टेक ओवर के बाद बहुत सारी चीजें अचानक से बदल गई। बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स ने प्लेटफॉर्म से मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक बार फिर से वापसी कर ली है Amazon, Apple जैसे बड़े एडवर्टाइजर्स ने। और इनके बीच की जो भी खामियां थी, जो भी दिक्कतें थी, उन सब चीजों को इलॉन मस्क और इनकी टीम ने शायद खत्म कर लिया है। इसीलिए तो ट्विटर पे फुल फ्लैज में Apple और Amazon ने एड्स की वापसी कर दी है। एंड्रॉइड 13 का अपडेट सभी ब्रांड्स चाहते हैं कि स्मार्टफोन पर जल्द से जल्द रिलीज हो जाए ताकि कस्टमर्स के बीच में जो गुडविल है वो बनी रह सके। नोकिया भी तैयारी कर रहा है 8 स्मार्टफोन पर जल्द ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट देने की, जिनमें से प्रमुख स्मार्टफोन है जैसे X25G, X10 5G, XR25G और भी बहुत सारे स्मार्टफोन शामिल हैं। अभी रोड मैप दोस्तों आना सामने बाकी है। मुझे लगता है कि शायद इस साल से पहले तो इन फोन्स पर ये अपडेट मिल ही जाएगा। किसी भी स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी होना जितना इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही उसमें फास्ट चार्जिंग मिलना भी, तभी तो कॉम्बिनेशन बेहतर तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब रियलमी अपने फास्ट चार्जिंग के लिए जाना ही जाता है, तो रियलमी GT Neo 5 के बारे में डिटेल निकल के आई है कि इसमें कंपनी 240 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने वाली है वायर्ड में, जबकि वायरलेस की बात करें तो शायद इसमें 150 वॉट का, और रिवर्स चार्जिंग की बात करें तो शायद इसमें 65 वॉट का रिवर्स चार्जिंग भी मिल सकता है। लेकिन ये र्यूमर भी हो सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट तो कुछ और डिटेल कंफर्म निकल के आएंगी तभी पता चलेगा। 2Africa नाम के सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि यूरोप से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। अब इस प्रोजेक्ट में एयरटेल और मेटा दोनों कूदने वाले हैं। दोनों ही कंपनियों के बीच में डील हुई है कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे बड़ा, ताकि इंडियन कॉन्टिनेंट को भी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी इस प्रोजेक्ट से अफ्रीका के साथ में जोड़ा जा सके, ताकि जो कनेक्टिविटी है ना वो और भी ज्यादा फास्ट मूविंग हो सके। और जाहिर सी बात है कि एंड कस्टमर के तौर पर हम लोगों को भी इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है। और लास्ट में बात करते हैं 5G इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में। अब तक दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं या तो 3G या 4G नेटवर्क मिलता है, लेकिन कुवैत की STC और यूरोप की बेल्जियन टेलीकम्युनिकेशन ने करार किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में 5G नेटवर्क इंटरनेशनल रोमिंग में मिल सकेगा। एक महत्वाकांक्षी कदम है जो कि टेलीकम्युनिकेशन में नई क्रांति जरूर लाएगा। बाकी दोस्तों इसमें से आज के बुलेटिन में कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।